अंबेडकर नगर टांडा के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी के पास स्थित पवित्र सरयू नदी पर छठ पूजा महापर्व पर सूर्योदय के दौरान अर्घ्य देने पहुंची महिलाओं की चेन काटकर गायब करने का मामला प्रकाश में आते ही हड़कंप मच गया। आधा दर्जन से अधिक महिलाओं को चेन स्नेचिंग का शिकार होना पड़ा। हालांकि पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए दो महिलाओं सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इन महिलाओं को छुड़ाने पहुंचे भाजपा के एक पदाधिकारी को अपमानित भी होना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार छठ पूजा महापर्व पर बुधवार को सूर्योदय से पूर्व टांडा नगर क्षेत्र के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के पास पवित्र सरयू नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंच गईं, जहां सूर्य देवता को अर्घ्य देने की तैयारी चल रही थी कि अचानक कई महिलाओं के गले के सोने की चेन गायब होने लगे। इस दौरान एक महिला की गले की चेन उसकी साड़ी में ही फंस गई और देखते ही देखते चेन स्नेचिंग की घटनाओं से महिलाएं भयभीत होने लगीं। सूत्रों के अनुसार टांडा विधायक संजू देवी के जेठ वेद प्रकाश गुप्ता की पत्नी उषा देवी व भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता उर्फ शंकर गुप्ता की पत्नी विनीता गुप्ता सहित कलेक्ट्रेट में कार्यरत प्रतीक टंडन की माता, अनिल सोनी की माता सहित कई लोगों के गले की चेन गायब हो गई, जिससे छठ पूजा स्थल पर सनसनी फैल गई। टांडा कोतवाली पुलिस ने पूजा स्थल से दो संदिग्ध महिलाओं व एक युवक को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। इन आरोपित महिलाओं को छुड़ाने के लिए भाजपा का एक पदाधिकारी भी कोतवाली पहुंचा था, मगर कोतवाली निरीक्षक ने महिलाओं को बिना जांच पूरी हुए छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज भाजपा के उक्त पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर पद छोड़ने की धमकी दे डाली। बहरहाल छठ पूजा के लिए सरयू तट पर पहुंची आधा दर्जन से अधिक महिलाओं से हुई चेन स्नेचिंग के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो महिलाओं सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।